हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बहुत सही हूँ एंड होप सो कि आप सब भी काफ़ी एंजॉय कर रहे होगे अपनी अपनी लाइफ को। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता होगा कि मेरा पुराना जो हेलमेट है वो है एचजेसी का हेलमेट। उसे अराउंड मैं अराउंड 40 और 50,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, फ्रॉम द हम्पी राइड, उसके बाद लद्दाख राइड, उसके बाद चेन्नई वाला राइड, उसके बाद दिल्ली वाला राइड। तो बहुत सारे राइड अराउंड 40,000 किलोमीटर्स चलाने के बाद एचजेसी गिव अप कर दिया है एंड अभी अपने को लेना है न्यू हेलमेट। तो न्यू हेलमेट लेने के लिए निकलते हैं। तो ये मैंने कुछ ट्रेन के शॉट्स लिए हैं, जस्ट ट्रेन से जा रहा था, सोचा कि यार शूट कर लूँ थोड़ा बहुत। जिंदगी सफल हो गया मेरा, दिग्गज लोग भेटले म्हटलं मला, आयुष्य सत्कर्मी लागलं। तो दोस्तों, फाइनली मैं आ गया हूँ सनशाइन मोटर्स थाने में। सो गाइज, ये तीन हेलमेट है जो मैंने फाइनलाइज किए थे। जो फर्स्ट है वो है ये वाला, जो कि बहुत देर से है मार्केट में एंड काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी यूज़ करते हैं इसे। एंड ये वाला ग्राफिक डिज़ाइन मुझे चाहिए फिलहाल नियॉन ग्रीन, क्योंकि यार अपना जो मोटरडे का राइडिंग गियर है उसके साथ एकदम जाना चाहिए, मतलब पावर रेंजर की फीलिंग आनी चाहिए। एंड अगेन ये जो है, ये दो मैंने चूज़ किए थे, तो इसमें से ये है फर्स्ट। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो ग्राफिक्स है ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया था। एंड आप देख सकते हो यार, एकदम मतलब सोबर एंड सिंपल काइंड ऑफ अ थिंग बोलते हैं ना, वैसा ये लग रहा है। एंड इसमें भी ग्रीन है, इसमें भी ग्रीन है एंड इसमें भी ग्रीन है, बट इसमें ग्रे है। तो ग्रे एंड ग्रीन, ये जो कॉम्बिनेशन, ये मुझे बहुत पसंद आया। एंड उसके आगे ये है पूरा कंप्लीट एक डिज़ाइन। एंड द मेन थिंग है वो है यार, यहाँ पे आपको मिलेगी LEDs। तो इसमें तीन मोड है शायद से, एंड ये वाला एक। सो इसका जो कलर है ये मुझे काफ़ी डिसेंट लगा विथ LEDs, तो बस यही फाइनल है, तो यही लेना है। ठीक है, फाइनली यहाँ पे पहुँच गया और अभी मेरे साथ है किशोर भाई। तो किशोर भाई मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, कौन सा हेलमेट लेना है, क्या करना है, उसके बारे में हमने बहुत सारे हेलमेट्स देखे हैं। आपको बता नहीं सकता कितना ज़्यादा मैस अभी यहाँ पे है कि यार ये हेलमेट, वो हेलमेट, ये कंपनी का, वो कंपनी का, हर एक दिखाओ, हर एक कलर दिखाओ। तो थैंक यू भाई यार, आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की। एंड किशोर भाई यार, अपने सनशाइन मोटर्स के बारे में और कुछ बताइए, कौन से ब्रांड्स के साथ अपन डील करते हैं। मेरे पास जो भी ब्रांड है सब जेन्युइन है, विथ वारंटी बिल के साथ आता है, जिसमें सोल, एग्जॉस्ट, SNK हो गया, ज्यूस हो गया, रैनोक्स के पूरे गेयर्स है मेरे पास, HDI ब्रांड का है, स्काला है, RR गेयर्स है। मतलब इन शॉर्ट अगर बताओ तो जो चाहिए होल एंड सोल सब कुछ है, सब मिल जाएगा आपको। एकदम चीप रेट से लेके एकदम एक्सपेंसिव तक भी अगर लेना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा किशोर भाई के पास। तो किशोर भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है विद गूगल मैप, मैं आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड इसी के साथ मैं आपको और एक चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना चाहता था, ये कुछ देख के आपको कुछ मतलब ये सींग और ये ऐसा कुछ। So, इसको देख के किसकी याद आ रही है, किसकी याद आ रही है। So, दोस्तों अभी मेरे साथ है मेरा काफी पुराने दोस्त, मतलब जब भी कि हम यूट्यूब पे 400-500 साल पुराने नहीं, उतना नहीं था, उतना नहीं, 400-500 सब्सक्राइबर थे तभी से हम फ्रेंड है। यस यस। एंड अभी काफ़ी अच्छे कर रहे हैं दोनों अपने अपने स्ट्रीम्स में, भाई अराउंड 50,000 क्रॉस कर चुके हैं कब के, एंड मैं भी 20,000 क्रॉस कर चुका हूँ आपकी प्रेयर और आपके जो भी सपोर्ट है उसकी वजह से। तो आज हम दोनों, मतलब आपको फर्स्ट टाइम अपने यहाँ पे दिख रहे हैं, बट ऑफलाइन ऑफलाइन ऑन द फोन हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब के क्या करना है, कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या है, क्या वीडियो कंटेंट आपको पसंद आएगा, इसके बारे में हम लोग बातें करते रहते हैं। एंड जैसे कि आप शायद से जानते ही रहोगे, रेविट अप एक बार चैनल फिर से, अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर है जिनको नहीं पता है तो रेविट अप चैनल ज़रूर देख लेना।
जंगल में रहने वाली नहीं है जिनके पास नहीं बोल सकते जो टूरिंग सेक्टर में है बट देन अगेन डेली कम्यूट रिलेटेड आपको कंटेंट देखना है एट द सेम टाइम मोटरसाइकिल रिव्यूज दैट इज अ फिक्स तो बस इतना ही गाइस ये वीडियो के लिए एंड होप सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अप टिल देन दिस इज रविता अलोंग विद लाइफ स्टीलर साइनिंग ऑफ राइड सेफ इन सनशाइन एंड डोंट बी यस थाने थाने एंड एज ऑलवेज डोंट बी अ स्क्विड थैंक्स फॉर वाचिंग मैं तो मारेगा एंड गाइस जैसे कि मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि यार अगर किसी को आना है मिलना है तो आ जाओ मिलो तो द फ्री वुल्फ ये भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया जैसे कि आपने बाइक के ऊपर शॉट्स देखे रहेंगे तो वो शॉट इनके बाइक के ऊपर थे और यही गाड़ी चला रहे थे तो गाइस इनका भी चैनल है द फ्री वुल्फ करके प्लीज एक बार चेक कर लेना अगर पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करना सो गाइस ऐसे तैसे कैसे मैं फाइनली जो हेलमेट है वो लेके आया हूँ अपने घर के ऊपर एंड काफी बढ़िया हेलमेट है मुझे काफी अच्छी डील मिली ये प्राइस रेंज में दोस्तों मेरे पास था ऑप्शन एमटी एंड सोल बट एमटी के लिए मैं क्यों नहीं गया तो इसके लिए जो मेरे दोस्त है रेविटअप वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों मैं जैसे ही वहाँ पे हम लोग गए थे हेलमेट लेने के लिए हम दोनों ने एक दूसरे से बात कर रहे थे काफ़ी दिनों से एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि यार कौन सा हेलमेट लेना चाहिए एज उसे भी न्यू हेलमेट लेना था एंड मुझे भी न्यू हेलमेट लेना था तो फाइनली मैं एमटी के ऊपर फाइनलाइज हो गया था कि मुझे एमटी हेलमेट ही लेना है क्योंकि मेरा यूज़ ज़्यादा है तो यार इतना एक्सपेंसिव हेलमेट ले लूँ और फिर उसके बाद यार एक साल में उसको चेंज करना पड़े तो कोई पॉइंट नहीं बनता है सो इसीलिए मैंने सोचा था कि यार ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेते एमटी का एक नॉर्मल सा हेलमेट ले लेते बट रेविटा भाई ने मुझे बताया कि यार इसकी जो पैडिंग है उसमें थोड़ा बहुत तुझे इशू आएगा सो तू देख ले कि तुझे क्या करना है सो दैट्स व्हाई मैं बोला यार देखो रिस्क नहीं लेते भाई अपना भाई अगर अपने को बता रहा है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए सो दैट्स व्हाई मैंने सोल का जो है वो ये हेलमेट फाइनल कर लिया होप सो आपको भी ये हेलमेट काफ़ी पसंद आया होगा अभी तक उसके ऊपर कुछ भी मैंने लाइक माउंट या फिर ये कुछ किया नहीं है एंड बहुत ही जल्दी करूँगा एंड होप सो कि यार राइड के लिए जल्दी से जल्दी बाहर निकलूँ एक्चुअली दोस्तों क्या हो रहा है ना काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए अगर आप पीछे का वीडियो देखोगे पिछला वाला वही सेम गेटअप है उसी में एडिट करके ये सेकेंड वाला वीडियो निकल रहा हूँ यस आई एम सो सॉरी फॉर दैट बट ठीक है ना यार करना पड़ता है कभी कभी लाइफ में आप बिजी हो जाते हो तो करना पड़ता है एनीवेज गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो कि आपको पसंद आया रहेगा बहुत ही छोटा वीडियो था बट यस प्लीज एडजस्ट कर लीजिए बहुत ही जल्दी अपन राइड के लिए निकलेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ बाय गाइस